3, 2, 1, fire! Good show, boys. Damn good show. Give it up. Ashu, quite a good timing. 2:45, phir bhi 15 seconds kaat sakte ho, take off a little faster. And Ronnie, you're too good. You run like an Olympic champ. Thank you, sir. 2 minutes flat, you are up. Very good. I'm very proud of you. And Somesh, you gotta cut this. Okay, sir. Looks like you're a pregnant woman. Very slow. You all have to be in the top form. Ladai ki aasan nazar aa rahe, mujhe headquarters ne bhi bulaya hai. And remember, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. जितना तुम फ्लाइंग प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना तुम्हारा वॉर में खून कम बहेगा रिमेंबर दिस एंडी सर मॉर्निंग एंडी सिट सर थैंक यू सर यस सर एंडी As you know, ladai ke badal kabhi bhi baras sakte hain. We are going to face a war anytime now. You move to Jaisalmer immediately and create a new air base. Wahan jaakar ek naya air base banao. Sir. And take command of a hunter squadron. You know the hunter. Hunter, sir? Yes. You're fully operational on hunters and MiGs. What's the problem? All the best, Andy. Thank you, sir. श्रीमान दो जैसियो 32 ओवर फायरिंग के लिए हाजिर है पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था ऑर्डर्स आ गए हैं कंपनी एडवांस पोस्ट पर राजस्थान जाएगी आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा हाँ तो जवानों जरा देखें कि गोली कैसे लगेगी फायर ए, 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 ए,
हेलो पापा। हेलो प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बेटा कैसे हो पुत्र, सब ठीक ठाक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा। क्यों क्यों है पुत्र? इनको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। लड़ाई लगने वाली है, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी पापा। आप इनका ट्रांसफर रुकवा दीजिए, आप तो पॉलिटिकली इतने वेल कनेक्टेड हो। हाँ ये काम करवाना ही होगा पापा। ठीक है पुत्र, घबराने की कोई बात नहीं है। I will see to it that he is not sent to the border. मैं उस दी ट्रांसफर रुकवा दियांगा। चंगा। पापा, प्रीति है। फिकर की कोई बात नहीं है बेटे, मैंने कुलदीप की ट्रांसफर रुकवा दी है। अब वो लड़ाई पे नहीं जाएगा, मैं उन्हें दिल्ली हेडक्वार्टर भिजवा देंगा। हेलो कुलदीप हियर, मैंने आपकी बात सुन ली है और समझ भी ली है, और अब आप मेरी बात भी समझ लीजिए। अगर आपने मेरी ट्रांसफर रुकवा दी तो जिस बेटी की खुशी के लिए आप ये हरकत कर रहे हैं मैं उसे छोड़ दूंगा। बेटे कुलदीप, आई विल डाइवोर्स हर। तुमने पापा से क्या कहा? वही जो तुमने सुना। याद है तुमने दीपू की कसम खाई थी कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? खाई थी। तोड़ दोगे? मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? हो जाने दो, मत भूलो मैंने फौज में कमीशन लेते वक्त भी एक कसम खाई थी। हिंदुस्तान की सरजमीन में जन्म लिया था तब भी एक कसम खाई थी। इस मिट्टी की कसम खाई थी जिसमें खेलकर मेरा बचपन जवान हुआ, और उस हिमालय की कसम भी खाई थी जो 5000 बरसों से मेरे वतन की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। उन 50 करोड़ भाई बहनों की कसम खाई थी जो मेरी तरह इस मिट्टी की कोख से पैदा हुए हैं। तेरा कुलदीप अपने बच्चे को उन पर कभी भी कुर्बान कर सकता है। यही सोचकर पापा को फोन किया था, लड़ाई में तुम्हें कुछ हो गया तो? चलिए मैंने कुछ नहीं होगा, तेरा और दीपू का प्यार मुझे मरने नहीं देगा, मैं एक पीस में वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है।
थैंक यू। रिंकू बाजवा मेजर कुलदीप हाउ डू यू डू टेकिंग अ लेफ्ट टू जोधपुर सर एंड देन टू वन ऑफ द बॉर्डर आउटपोस्ट इन राजस्थान सेक्टर आई सी यू आर्मी चीफ सर रियली लकी वो कैसे सर आपका बॉर्डर आउटपोस्ट तो बीएसएफ वालों ने रेडी रखा होगा आपको तो जाकर सिर्फ चार्ज लेना है मुसीबत तो हम लोगों की है वी हैव टू मेक एन एयर बेस इन रेगिस्तान जैसलमेर सेक्टर एबीसी से शुरू करना पड़ेगा और पता नहीं हमारे पास कितना वक्त है डू यू थिंक वी विल सी एक्शन सर इस पाकिस्तान के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि वो लोग वेस्टर्न फ्रंट जरूर खोलेंगे मॉर्निंग सर वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ जेंटलमैन थैंक यू सर आप कह रहे थे कि पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट जरूर खोलेगा तो बंद करेंगे हम पहली गोली वो चलाएगा और आखिरी गोली हम वेल सेड मेजर वेल सेड पर मुझे नहीं लगता है कि एयरफोर्स के होते हुए आप लोगों को गोली चलाने की नौबत आएगी अब बेग योर पार्डन सर मेजर साहब आज की लड़ाई में हार जीत का फैसला मुल्क की एयरफोर्स की ताकत पर निर्भर है सर मगर हमलावर के सामने सीना तान कर हमारी फौज खड़ी है अग्रीड मगर घुसते तो हम हैं उनके सीने पर वार पहला हमारा होगा एयरफोर्स विल स्ट्राइक डीप इन एनिमी टेरिटरी सर आर्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एयरफोर्स इस बहस का तो कोई अंत नहीं हम दोनों को तो सिर्फ इतना समझना चाहिए कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है हम ही हम है तो क्या हम है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो वाह वाह मेजर साहब हम ही हम है तो क्या हम है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो वाह अच्छा कहा मगर एयरफोर्स इज स्टिल लीडिंग आर्मी एयरफोर्स आर्मी एयरफोर्स आर्मी एयरफोर्स आर्मी ऑलवेज एयरफोर्स मथुरा दास इमरजेंसी है तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं फिर भी हमने तुम्हारी लीव एप्लीकेशन ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंचा दी है जो भी हुक्म आएगा आपको आगाह कर दिया जाएगा ओके सर मैं कम इन सर ओ कुलदीप कम प्लीज टेक अ सीट मथुरा दास जो अभी गए हैं आप ही की कंपनी के हैं उन्हें इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए लड़ाई के बादल देखकर जो घर की तरफ भागे उसे इस फौज में रहने का कोई हक नहीं कहता है उसकी औरत बीमार है उसे कैंसर है तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए सर अपनी बीवी के घुटनों के पास बैठा रहेगा गुड ऑल्ड मेजर कुलदीप अब आप जाकर लोंगेवाला की पोस्ट संभाल लीजिए वहां पड़ी सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को रिलीव कर दीजिए कंपनी के 120 आदमी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 120 जवान लोंगेवाला की पोस्ट संभालेंगे Yes. और 600 आदमी सादेवाला की पोस्ट संभालेंगे सादेवाला पोस्ट के लिए 600 जवान और हमारे लिए सिर्फ 120 वो इसलिए कि अगर दुश्मन ने नया महाज खोलने का फैसला किया तो वो सादेवाला के रास्ते घुसने की कोशिश करेंगे 65 की लड़ाई में वो वहीं से घुसे थे तो आपका ख्याल है कि वो दोबारा वही गलती करेंगे या हमला करने से पहले हमसे पूछेंगे कि आपके इलाके में आने के लिए हम कौन सा रास्ता पकड़ें दुश्मन तो हमारे कहने पर नहीं चलेगा मगर आप तो चलिए जाकर अपनी पोस्ट संभालिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रेटजी और पॉलिसी के फैसले हेडक्वार्टर्स में होते हैं हमारे ऑफिस में नहीं चलिए अपने आदमियों से मिल लीजिए कंपनी सावधान कंपनी हिलना मत जय हिंद सर चार जेसीओस 96 अदर रैंक्स परेड में हाजिर हैं श्रीमान He is second lieutenant Dharamveer, your second in command. Sir,
सर आपने मुझे ये नहीं बताया कि 120 जवानों के बीच एक बच्चा भी है। आपने ठीक कहा सर, मैं एक बच्चा ही हूं। मेरा बाप भी एक बच्चा था जब फौज में आया था, पर इतना प्यारा बच्चा था कि 65 की लड़ाई में भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आपके पिताजी का नाम? मेजर वीर भान। ओके कुलदीप, बेस्ट ऑफ लक। धर्मवीर, टेल द कंपनी टू माउंट। सर। सुबेदार साहब, कंपनी को माउंट करवाइए। कंपनी माउंट। मैं मेजर वीर भान जी को अच्छी तरह जानता था, दोस्त तो नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, मगर हमारा रिश्ता दोस्ती से कम नहीं था। तुम्हारी माता जी कैसी हैं? बस ठीक है, सिर्फ देख नहीं पाती। देख नहीं पाती? आंखों की रोशनी आंसुओं के साथ बह गई। I'm sorry, son. Welcome to Jaisalmer Airways, boys. Yeah, sir, yeah. Pehle kahan laake fek diya? This is supposed to be an airbase, boys. Kahin kuch dikhai nahi de raha, ye to desert hai. Get used to it. Hello? Venko Bajwa? Ani Raguya. Yes, sir. It's a beautiful desert. There are only 3 tents, no base. Don't crap, runway to mila. Operational base tum banao. I'll try my best. Thank you, sir. Okay, boys. Dekhe, hamare padosi kaun hai? That's Ramgarh. That's Tanot. The main target for 1965 war. And that is Sadewala. Oh, that's Longewala. That's where Major Kuldeep Singh is, huh? Next to me, in air and on the ground. Hum hi hum hai, to kya hum hai, tum hi tum ho, to kya tum ho. Dekho na bhai, ye army wale aa gaye hamari post par check up karne ke liye. Kaun si unit aayi hai? Ye sardar dikha de rahe hain, mere khayal mein Punjab ki unit honi hai koi. आपके कमांडेंट साहब कहाँ हैं? साहब जी पेट्रोलिंग पर गए हैं। ठीक है, उन्हें वायरलेस पर मैसेज दे दो कि हम पोस्ट टेक ओवर करने आए हैं। यस सर। साहब जी आपके लिए वाले मैसेज आया साहब जी। मैसेज? आर्मी वाले लोंगेला पोस्ट पर आ गए हैं, आपको बुलाया है साहब जी। अच्छा,
बड़ी अच्छी नींद आ रही थी संतरा। आप सारी रात इस रेत पर इतने मजे से कैसे सो जाते हैं साहब जी? इस धरती को ऐसे ही माँ नहीं कहते संतरा, इसके सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा तो उसे रेत की चादर उड़ा देती है। चलो कैप्टन भैरव सिंह सर। प्लीज टू मीट यू कैप्टन। सर आपको ऑर्डर्स तो मिल ही चुके होंगे। सर ये बीएसएफ की कंपनी कुटारू पोस्ट पर जाएगी। कप्तान साहब आप तो इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अपने घर की आंगन की तरह सर। देन यू विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। सर शायद इसीलिए मेरे हेडक्वार्टर्स ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं और मेरे तीन साथी लड़ाई में आपके साथ इसी पोस्ट पर रहेंगे। दैट्स राइट, ये रिक्वेस्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से ही गई थी। You may ask your men to leave now. Sir. Sir, आप इनसे कह दीजिए कि माँ के मंदिर में रोज दिया जलाएं। Sir, वो सामने देवी का मंदिर देख रहे हैं आप। मेरे साथी चाहते हैं कि आप इसमें हर रोज दिया जलाएं। वहां रोज दिया चलेगा, रोज पूजा होगी। सर इनका मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो देवी माँ इस पोस्ट की रक्षा जरूर करेगी। करतारा सिंह साहब गल पल्ले बांधला। ठीक साहब। सर जल्दी उठाओ उठाओ। सुबेदार साहब। जी साहब। जवानों से कह दो कुएं से पानी भर लें। ठीक है साहब, जवानों कुएं से पानी भर लो। ओ बनते हैं बाल्टी चकले। ओए बड़ी प्यास लगी। ओए ओए रुक जाओ, नहाऊंगा खूब नहाऊंगा। ओए रुक जाओ, रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। कोई पानी को हाथ नहीं लगाएगा। देखो पहले मैं खाना बनाने के लिए पानी भर लूं, उसके बाद चाहे नहाओ तो या फिर इस कुएं में डूब मरो। भागीराम ये हुक्म तुम दे रहे हो? हाँ। मेरे होते हुए? हो हो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं आप अफसर हैं, 2IC हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर सर जी। पर एक बात जरूर कहूंगा, खाना फौज को बनाता है, फौज खाने को नहीं बनाती। दुनिया की तारीख गवाह है, खाली पेट कोई भी फौज दो कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ है तो लांगरी मगर बात बड़ी लंबी करता है। भागीराम जितनी कड़क बात करता है उतने प्यार से खाना भी खिलाता है। बड़े बड़े कर्नल जनरल इसकी बात हंस कर टाल देते हैं। टालेंगे क्यों नहीं साहब जी, भागीराम के हाथ का खाना खा खा के तो सब कर्नल जनरल बने। अच्छी साहब जी मेरे हाथ का खाना खा के देखो देखो अग्गे ही अग्गे बढ़ते जाओगे अग्गे अग्गे। चलो मस्ती चल। चलो भागीराम जी।
सूबेदार रतन सिंह, ये भी आ गया या मरने के लिए? सूबेदार रतन सिंह रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। एट इज रतन सिंह। एंटी टैंक गन्स, सिर्फ दो आरसीएल गन्स। उनका ख्याल है कि दुश्मन के पास दो ही चार टैंक्स हैं। दो चार क्या सर, दो चार सौ हुण दियो। रतन सिंह के होंदिया आपको चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। रतन सिंह अपने हाथ पैर नाल रोक लेगा उन्हें। क्यों नहीं सर, मौका आने ते मैं अपना सिर टैंक दी तोप दे मुंह विच वाड़ कर तोपा नूं चुप करा देंगा साहब जी। रतन सिंह ना बदले है ना बदलेगा, हुण तैनूं हमेशा दी तरह पुख्ता बड़ी लगी होनी है। पुख्ता इन्नी डाडी लगी है साहब जी कि दुश्मन दे पूरे टैंक नूं तंदूर च भुन के खा जावा। हुण जा, भागीराम तेरा इंतजार कर रहा। भागीराम? सत श्री अकाल भागीराम जी। ओ बेड़ा करत तेरा भागीराम। ओए तू मैनू वेख के अपना सिर फड़ लिया? क्यों, मेरा आना चंगा नहीं लग्या? ले यारी ना हो गई, छोलिया का वड हो गया। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तानी फौज को पता नहीं मेरे साथ कौन सी खुंदक है। ओ मैं जिस कंपनी में जाता हूँ मेरे पीछे पीछे पोस्टिंग वहीं कर देती है तेरी। भागीराम जी, इस पे फौज का कोई लेना देना नहीं। मेरी मानो तो किसी अच्छे जोशी को कुंडली दिखाओ, कहीं ना कहीं तो इनका नाम होगा राहु केतु के साथ। राहु केतु कौन सी क्लास है? ये तो कुंभकर्ण मर के सितारा बन गया और आकर बैठ गया मेरी कुंडली में। ओए बरसा दी यारी दा तू ऐसे ला दे रहा मैनू। अरे यारी गई चूल्हे दे विच, अब त्रोटियां आएंगी तवे पर। ओए मसराम। हां जी। आज तक तू 120 बंदों का खाना बनाता था ना जी? कल से क्यों, आज से ही 130 बंदों का खाना बनेगा। 10 आदमी कहां से बढ़ गए? 10 आदमी तुझे नजर नहीं आ रहा है? एक ही तो है जी। ओए एक, ओए ए दो, ओ ओ ना, ये तीन, ओ मर जाने नहीं, चार, बना कर यार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। ओए 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 रतन जी, रतन जी मेरे यार। यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? सिर्फ 16 किलोमीटर सर। बॉर्डर के आसपास वाले गांव फ्रेंडली हैं? किसी जमाने में थे सर, लेकिन 1965 की लड़ाई में कुछ लोग यहाँ से बॉर्डर के उस पार चले गए। इन्हीं के भाई भतीजे हैं, इनमें से कुछ लोग इन्फॉर्मर्स भी हैं सर। धर्मवीर सर, कल से गांव की फुल स्केल चेकिंग शुरू कर दो। शैल वी यूज फोर्स सर? जरूरत पड़े तो। सर ये और ये दो कच्चे रास्ते हैं जो बॉर्डर पिलर नंबर 635 और 638 से आते जाते हैं। हम ये रास्ते भी देखेंगे और बॉर्डर पिलर भी। जरूर सर, पाकिस्तान की पोस्ट मस्जिद वाली भीत भी दिखाई देती है। ओ, रतन सिंह कल सुबह बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर लो। राइट सर। सर वो रहा पिलर नंबर 635। नीचे हो जाइए साहब जी, खड़े मत रहिए, दुश्मन के स्नीपर स्टाक में रहते हैं। ये क्या पागलपन कर रहे हैं साहब, इन्हें रोके। अब साहब सामने से कोई आ रहा है। हिंदुस्तानी ऑफिसर कुछ पागल तो नहीं? सर अगर हुक्म हो तो इसे यही ढेर कर दूं। नहीं, मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है। लगता है मेजर साहब को अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि मुझे इस रेगिस्तान की मिट्टी से है। फिर तो कभी ना कभी इन्हें भी वीर चक्र मिल जाएगा। मेरे पिताजी को भी मिला था, वो भी इसी पागलपन के शिकार थे।
छोड़ गए मेरे लिए एक वीर चक्र और एक अंधी मां। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं सर। बोलो। बहादुरी और पागलपन में कुछ तो फर्क होता है या नहीं? जिसे आप पागलपन कह रहे हैं वो विश्वास से पैदा होता है, और मेरा विश्वास ये है कि जिंदगी और मौत वाहेगुरु के हाथ में है, और मेरा वाहेगुरु दुश्मन के साथ नहीं मेरे साथ है, क्योंकि मैं सदा उसी की ओट में रहता हूं। मेजर सर, इन गांव वालों को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि आना जाना इसी रास्ते से होता है। सर, वाले से पाकिस्तानी है। हमारी फ्रीक्वेंसी पर। सर, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो, कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। कुलदीप सिंह चांदपुरी, हम जानते हैं तुम आ गए हो। 23 पंजाब के साथ लोंगेवाला में तैनात हो ना, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शायद तुम्हारी मौत लोंगेवाला में ही लिखी है। मौत से बचना चाहते हो तो पोस्ट छोड़कर भाग जाओ, तुम हमसे बच नहीं पाओगे। अगर तुम इंतकाल फरमा गए तो तुम्हारी बेगम तो दूसरा निकाह कर लेगी, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? तुसी घटिया से घटिया ही बातें करोगे और की तरह काला कर दे। अरे मर दो, सामने आओ, फिर सानू पता चलूगा कुलदीप सिंह है तो मरेगा या थोड़े लिए काल बन के आया। हमारी धरती पर कदम रखने की कोशिश मत करना। लोंगेवाला में इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाने के लिए जगह नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, और तुसी कटिया इंसान हो और थोड़ा बाप है बाप। Gentlemen, they have got the full information that the 23 Punjab is at the Longewala post and the commanding officer is Kuldeep Singh Chandpuri. They have got informers. Bastards! Sabji, aur to sare anu. Unka kabristan banega, sir. Zarur banega. Haan. Sir, ye information Pakistaniyon ko gaon walon ne di hogi, jo aksar border ke us paar aate jaate rehte hain. सर, खंडर में आग जल रही है, न जाने ये लोग कौन हैं और इस इलाके में क्या कर रहे हैं। लेट्स चेक देम आउट। ये बात है साहब। सुनो, कौन हो तुम लोग? यात्री है माई बाप, तानोट जानो है, मारो देवी माँ के दर्शन खातर। सर, कह रहे तानोट जा रहे देवी माँ के दर्शन के लिए, कठे से आ रहे हो? डूंगरा गांव से आयो हूँ, रोटी साथ ले आयो हूँ, सोचा खा के आराम कर लिया, उल्टा ने भी आराम मिल जाओगे साहब। सर्च देम। क्लीन सर? कुछ नहीं सर। लेट्स गो। खाना खा लो। सर, ये
ऊंट के सामने पड़ी घास देख रहे हैं आप? गुरनाम सर, टॉर्च। ये घास तो हरी है और यहाँ रेगिस्तान में दूर दूर तक हरी घास नहीं होती। हाँ, बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में ऐसी घास जरूर होती है। Officer, shoot him! Why don't you shoot him? Shoot him, I said! Shoot him! Why don't you shoot him? It's an order, shoot him! Why are you vomiting? What is wrong with you? शायद इसने मौत पहली बार देखी है सर। तो फिर इसे कह लो कि आदत डाल ले। ये मेजर वीर मानसिंह का बेटा नहीं हो सकता। तो दुश्मनों को मारना तो अलग, उनका खून देकर उल्टी कर देता है। धर्मवीर, दुश्मनों के हाथ शहीद होने से जंग जीती नहीं जाती, उन्हें गोली मारकर जीती जाती है। यू हैव टू किल देम। ओए उधर से पीछे पा। हाँ रफीक, मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें प्राण जब देवानंद के हाथ में बंदूक देखता है तो कहता है ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है बच्चे। क्या बात है लेफ्टिनेंट साहब, आपको नींद नहीं आ रही? धर्मवीर, तुम्हारे पिताजी 1965 की लड़ाई में शहीद हुए थे ना? फौज में जो थे। क्या तुम सचमुच समझते हो कि हिंदुस्तानी फौज तुम्हारे पिताजी की मौत की जिम्मेदार थी? हाँ। फिर तुमने फौज क्यों ज्वाइन की? अपने प्यार का वास्ता लेकर मुझसे वचन लिया था पिताजी ने कि मैं फौज ही ज्वाइन करूंगा। क्यों वचन लिया था उन्होंने? इसलिए कि वतन की मोहब्बत ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के जोश में अपने बेटे को इस वर्दी की जंजीर पहना गए। हाथ में बंदूक थमा ली कि सामने वाले फौजी को गोली से उड़ा दो। वो फौजी जो मेरी तरह किसी मां का बच्चा है, जिसको मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसका नाम तक मैं नहीं जानता। आखिर क्यों, किस लिए? इसलिए कि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम्हारी लाश से गुजरकर तुम्हारी धरती मां के सीने पर कदम रखेगा और तुम्हारी ये आजाद धरती मां फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जाएगी।
अरे हम तो किसी दूसरे की धरती पर नजर भी नहीं डालते, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है साहब जी कि कोई हमारी धरती मां पर नजर डाले और हम चुपचाप देखते रहे। नो सर, नो, नेवर। बी अलर्ट, नजर दुश्मन पे रहे, पलक भी झपकने ना पाए। छोड़ो इन सीरियस बातों को, धर्मवीर जवान हो, अफसर हो, माँ जी ने जरूर कोई लड़की देखी होगी तुम्हारे लिए, हैं? तुमने देखी? पसंद आई? बड़ी बात तो यह है कि मैं उसे पसंद आ गया। इस बार तुम पूरे काबू में आ गए। अच्छा बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ? होना क्या था, कमीशन होके मैं वापस गाँव पहुंचा, बस रुकी है। की कसम, चल। चल। भागे। माँ, इन पाँव में क्या रखा है? मेरे कलेजे से लग जा, मेरे कलेजे से लग जा मेरे बच्चे, मेरे कलेजे से लग जा, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा तो रोम रोम आशीर्वाद देगा। नमस्ते जी। कैसा है ऋतु? अरे तू तू दाढ़ी बनाने लग गया है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ, कितना ही बड़ा हो जाओ माँ, तेरे लिए तो बच्चा ही रहूंगा। कितना कमजोर हो गया है। अरे फौज वाले तुझे खाना नहीं देते क्या? अच्छा भला तो है मौसी, कमजोर कहाँ हो गया है? तुझे नहीं पता, जो माँ के हाथ देख सकते हैं वो तेरी आंखें नहीं देख सकती। ठीक है मौसी, बेफिक्र रहो, मेरी नजर तुम्हारे बेटे को नहीं लगेगी, जो लगनी थी वो तो कब की लग चुकी है। क्या कहती है तू? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी तो अच्छा ही है माँ, चले। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो ना। लो मौसी, मेरी अम्मा और बाबा भी आ गए। बधाई हो बहन जी, अपना धर्मवीर अफसर बन के घर आ गया। आपको भी बधाई हो। जीता रहे। जीते रहो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वीर भान का घर एक बार फिर खुशियों से झूम उठा। भगवान करे धर्मवीर के सहरे की खुशियां भी जल्दी से इस घर में आए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये लो। बहुत आम खाए, मगर जो बात इस टपके में है वो किसी में नहीं। इसके रस में प्यार का रस मिला हुआ है। बुद्धू। अच्छा मैं चल के तंदूर लगाती हूँ, बेटा खाना यहीं खा कर जाना। अच्छा बेटा तुम लोग खाओ, मैं खेतों का चक्कर लगा के आता हूँ। hmm.
आम का रस क्यों फेंका मुझ पे? अरे सारी दुनिया भूलकर आम चूस रहे हो तुम। क्यों? तुम इतना भी होश नहीं कि तुम्हारे आसपास कोई और भी है? हाँ? क्यों भाई, तुझे आम अच्छे नहीं लगते? नहीं लगते। तो फिर क्या अच्छा लगता है बताओ? हाँ बताओ। हाँ, सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर। कमो, कमो, कमो वापस आ जा। जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। जब इस दिल की हालत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई माही माही मोतिया वाला।
तू आ गया बेटा? हाँ माँ। क्या बुन रही हो? अपने बेटे के लिए सेहरा। सेहरा? मेरी शादी के लिए? और नहीं तो किसके लिए? तेरे सिवा मेरा और है ही कौन? मगर कोई लड़की भी देखी है मेरे लिए? देखना क्या है, एक ही तो है जो हम सबके मन में बसी हुई है। वो कौन? और कौन? हमारी प्यारी कम्मो। वो ऊंचे नाक वाली? क्या? अरे हाँ, वो ऊंचे नाक वाली, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्या कह रहा है तू? हाँ, जो तूने सुना माँ, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कम्मो से ही शादी करनी पड़ेगी। और मेरा ये फैसला है कि मेरी शादी उसी के साथ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आखिर क्या बुराई है कम्मो में? तुम्हें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। वो बदतमीज गवार किसी फौजी अफसर की बीवी बन सकती है। अरे घर के बर्तन क्यों तोड़ रहा है? हाँ, इतना गुस्सा किस बात पर? गुस्सा नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं, और तुम हो कि बस एक ही जिद, कमला कमला। ऐसा ना कर बेटे, कम्मो और उसके घर वालों ने तुझे अपना बनाने के लिए कब से सपने सजाए हैं। किसी के सपने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जिद नहीं करती। मैं चौधरी साहब के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। तुम दोनों बच्चे थे तब से वो आस लगाए बैठे हैं। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे या नहीं। कहाँ चल दी माँ? छोड़। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तू सच कह रहा है? हाँ माँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुझे कमला पसंद है? हाँ माँ पसंद है बहुत। चुक 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 मेरे लाल, मैं कल ही तुम दोनों की सगाई कर देती हूँ। धर्मवीर, मैं अभी अभी रेडियो पर खबर सुनकर आ रहा हूँ। बॉर्डर पर लड़ाई के बादल छा चुके हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है, सब फौजियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। धर्मवीर क्या हो गया भाई, गाना बजाना क्यों बंद कर दिया? हाँ? अरे भाई गाओ। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। क्या धर्म? अरे आप लोग चले क्यों जा रहे हैं? धर्म बेटा, बेटा ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं? हाँ बैठो माँ। हाँ? कम्मो कहाँ है? कम्मो बैठो। हाँ? क्या हो गया? हाँ? बता क्या हो गया है? माँ मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, मुझे जाना होगा। कहाँ? बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ने वाली है। बेटा तू सेहरा नहीं बांधेगा? सेहरा तो अभी पूरा नहीं बना है माँ, बुन लो, मैं वापस आकर पहनूंगा। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जिद मत करो माँ, जानती हो ना मैं रुकना भी चाहूं तो भी रुक नहीं सकता। नहीं नहीं बेटे, कुछ तो सोच, अपनी माँ पर कुछ तो तरस खा। अब मेरी इन आंखों में वो नजर बाकी नहीं है जो तुम्हारी राह देखूं।
और ना ही आंसू है जो तुम्हारी याद में बहा सकूं। मेरी राहें और मुश्किल ना करो माँ, मुझे जाना ही होगा। नहीं, मुझे जाना ही होगा। नहीं, मुझे जाना ही होगा। नहीं, जाने दूंगी मैं तुझे, नहीं जाने दूंगी। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। मैं उसे रोक लूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं उसे रोक लूंगी। तुम यहाँ? तुमने सोचा कि किसी को बिना खबर दिए ही चले जाओगे ना? लेकिन मैंने तो पहले से ही ठान ली थी तुम्हें जाते हुए देखूंगी, ताकि वापस आते हुए फिर यही देख सकूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर मैं तुम्हारे साथ दो कदम बस स्टैंड तक चलूं? चलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। कमो, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से शादी कर लेना। तुम हंस रही हो? कुछ याद आ गया, एक बार मैं आगरा गई थी, वहां एक पागल रास्ते में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कभी पीछे मुड़कर देखता था, फिर सीधा होकर दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेता था, फिर धीरे से दाएं बाएं देखता, फिर गुस्से में जमीन पर बैठ जाता और मुक्के मारने शुरू करता। कभी दाएं घूमता, कभी बाएं घूमता, कभी आगे कभी पीछे, फिर दौड़ने लगता, रुक जाता, पीछे देखता और लेट जाता, फिर झट से उठता और घूमने लगता। जानते हो क्या कर रहा था? हाँ, अपनी साये से पीछा छुड़ा रहा था। बुद्धू, मैं तुम्हारा साया हूं, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं चलता हूं। सुनो, बस में से पलटकर उसे देखने की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी। उसकी नजरें बस का पीछा करती रही होंगी ना।
मेरी तो पूरी राम कहानी सुन ली, कुछ अपनी भी सुनाओगे या नहीं? बस अपनी तो वही कहानी, एक राजा एक रानी। मैं लांगा राजपूत हूं, धरती के इस कोने पर मेरे पुरखों का ही राज था। ओ आई एम इन ऑगस्ट कंपनी, मैं एक राजा के साथ बैठा हूं। बस जवानी ने प्यार को आवाज दी और प्यार ने फूल कंवर को। पड़ोस की रजवाड़ी की बेटी है, दुल्हन बनकर घर में आ गई। उस वाहक रात भूलती ही नहीं। सर, हेडक्वार्टर से आपके लिए आदेश है। लीव कैंसल्ड, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, रिपोर्ट ऑन ड्यूटी इमीडिएटली। आंखों के सामने मेरी दुल्हन थी और हाथों में धरती मां का बुलावा। ठीक है, सुबह होते ही हम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएंगे। सर शुक्रिया। बात है, बीएसएफ वाले इतनी रात गए? अरे वो बटालियन की तरफ से शादी की मुबारकबाद देने आए थे। मुबारकबाद लेने से कोई इतना उदास हो जाता है क्या? वो कहते हैं ना, रोते क्यों हो, शक्ल ही ऐसी है। देखो जी, मेरे उनके बारे में से कुछ ना कहना। जो एक बात दिल में है उनसे कहूं तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। उनके चेहरे की ये नरमियाँ
जलने से पहले सांसों में आंखों में ख्वाबों में यादों में और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ अगर हम वापस नहीं गए तो विश्वास रखो भैरव सिंह हम जरूर वापस जाएंगे वरना फूल कवर के सुहाग और कमला की जवानी को भगवान क्या जवाब देगा सर तो पाकिस्तान इन्फॉर्मर है हमारी फ्रीक्वेंसी पे यस सर पीछे जा रखे हैं और जो यहाँ पर है वो उन्हें बाएं तरफ लगा रखे हैं ओवर तुम इस कुत्ते को ट्रेस कर सकते हो जहाँ तक मैं समझता हूँ सर 10 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए और पश्चिम की तरफ चलो Where the hell is he going? पता नहीं साहब जी कितने गया है जीप लेकर आओ ठीक है साहब जी
हाँ उस तरफ सर। वहां उन घरों के आसपास होना चाहिए सर। रमजानी नंबर 20 यहाँ पर होंगे वाला में हिंदुस्तान की नफरी तकरीबन 120 के लगभग है। ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। पता कोई गांव वाला जख्मी हो गया। अरे जख्मी नहीं, वो मर। लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दो, अगर लावारिस हो तो उसे बाईस दफना देना। सर। धर्मवीर, आई एम रेकमेंडिंग यू टू द सीईओ फॉर ए गैलेंट्री अवार्ड। थैंक यू सर। किसने मारा इसे सर? खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे जवान हो जाते हैं। अल्फा वन टू डेल्टा वन, क्या बॉर्डर पिलर क्लियर है? ओवर। डेल्टा वन टू अल्फा वन, हाँ सब क्लियर है, दुश्मन की कोई हरकत नजर नहीं आई। ओवर। ओवर एंड आउट। इन पाकिस्तानियों को पागल कुत्ते ने काटा जो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आएंगे। अरे जाएंगे पंजाब या कश्मीर जहाँ खुशहाली है, हरियाली है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अरे यहाँ कौन सा शहर है, मीलों उजाड़ बियाबान रेगिस्तान, जहाँ साला ना चाहते हुए भी इंसान दिन में आधा किलो मिट्टी खा जाता है। ए, 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 धरती जैसी भी है तो हमारी अपनी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या है इस धरती में, पैदा करती है कांटेदार झाड़ियां या फिर बिच्छू? शायद तुम नहीं जानते, ये धरती शेर भी पैदा करती है। मिट्टी से पैदा होने वाले शेर मिट्टी के ही होते होंगे। जी नहीं, दूसरों को मिट्टी में मिलाने वाले शेर। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम अगर फौज के सूबेदार ना होते तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझाता। अच्छा,
ये लो, अब तो मैं सूबेदार भी नहीं, बताओ क्या बताना चाहते हो? मेरी जुबान से मेरे हाथ से ज्यादा अच्छा बोलते हैं। ये तो नहीं मान जा रहा है, तुझे मेरी दादी माँ को गाली दिया, हाँ मेरी माँ को गाली दिया। Stop it! I said stop it! Haram sada! Stop it! Hey! I said stop it! I'll call Marshall for all this! You! And you too! Sir, you gave my mother a gun, sir! This dhati is my mother, sir! And this Kamina says that this is a puncher! It's a gun! This is a bitch and a cutter! I ask you, sir! If the mother is a woman, do you not love her children? Do you not give her respect? No, sir. इसने मेरी माँ को गाली दिया, सर। मेरी धरती माँ को गाली दिया है। Don't disobey my orders. Sorry, sir. मथुरा दास, भैरव सिंह से माफी मांगो। भैरव सिंह, इसे भाई समझकर गले लगा लो। What are you waiting for? Chal, shabash. Maafi chahta. Will we ever see action, sir? Dushmanon ka intezaar karte hue bahut thak gaye hain, sir. I hope you'll never see action. Samjha? Sir, may I ask you a very personal question? Yeah, go ahead, but don't make it too personal. Sir, आपने शादी क्यों नहीं की? सोचा था आजाद पंछी की तरह उड़ूंगा, मगर एक ऐसी लड़की मिली जो किसी के सामने नहीं झुकती थी। ठीक है, भगवान को मानती तो नहीं, लेकिन उनके नाम से भी चिढ़ा आपको? जी, मुझे हर उस चीज से चिढ़ है जो इंसान ने अपने मतलब के लिए बनाई है, और भगवान उनमें से एक है। कोई सी चीज, कोई सी शक्ति होगी जिसके सामने आप झुकती है? जी नहीं, मैं किसी के आगे नहीं झुकती। भगवान तो बहुत दूर की बात है, हम जैसे इंसानों के सामने झुकना सिखा दूंगा। आप सिखाएंगे? Try it. Definitely. Impossible. Wanna bet? शर्त होगी? Okay. Coffee. Roger. मगर एक कप, आधी आधी पियेंगे। We'll share something. Uh-huh. I like your confidence. Done. ठीक है, तो कल सुबह 800 hours आप एक ही जगह पर 5 मिनट के लिए रुकी रहें। कहाँ? Hi guys. Hi. हाँ, मैं किसी के सामने नहीं झुकती। सर क्या हुआ? That duck. Sir trouble. You rascal. Oh language lady. You scoundrel. I can kill you. That was cheap. ये कोई तरीका किसी को झुकाने का? मगर आप किसी के सामने झुकी तो? Look mister, मौत के डर से कोई भी झुक जाएगा। चलो डरी सही, आप भगवान को डर का नाम दे सकती हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। I'm sorry boy. Sorry बोलने से कुछ नहीं होगा। That was cheap. I hate you. I won't see you again. I won't see you. I don't want to speak to you I'm ever really sorry, again. Never, never, I'm sorry. I'm sorry. I don't want to speak to you. Hey, hey, hey! Watch out! Watch out, Rupali! Watch out! उसको तो झुका दिया, मगर अपने पर कर दिया। शादी का फैसला कर लिया। बारात में चलोगे तो नाचना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल सर। बेटा,
हमारी फौज की मूवमेंट शुरू हो चुकी है सर। अब मामला दूर नहीं, हमें दुश्मन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। This is All India Radio, the news. The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, today asked the so-called big nations, on the basis of their color superiority, not to order India to do what they wished. The times have passed when any nation sitting 3,000 or 4,000 miles away would give orders to Indians, Mrs. Gandhi said. Today we will do what is best in our national interest and not what so-called... आप तो सब समझते हो साहब, मगर ये तो बताओ, लड़ाई कब शुरू होगी? कमबख्त दुश्मन ना तो आगे बढ़ता है ना हमारी जान छोड़ता है। गुरनाम ठंड रख ठंड। महीनों से यहाँ पड़े हैं साहब, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। अब जो होना है उसे हो जाने दो साहब। दुश्मन आगे नहीं बढ़ता है तो मरने दो, हमें आगे बढ़ने दो साहब। हमारे हाथ में कुछ नहीं भरियाम सिंह, तुम अपनी पोजीशन संभालो। जय हिंद। सब खैरियत तो है? सूबेदार साहब, मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं? ऐसी भी क्या तकलीफ है मथुरादास कि तुम घर जाना चाहते हो? तकलीफ ये है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है, मेरे बच्चे को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है, महीनों से यहां सड़ रहे, साली कोई चिट्ठी भी तो नहीं आती। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं मथुरादास। ओ डाकिया आया, डाकिया चिट्ठियां आईया, सजना दिया। ओए आ जाओ, ओए आ गई जो चिट्ठियां, ओए चिट्ठियां जे चिट्ठियां। आ जाओ आप अपनी चिट्ठी ले लो। ओए मेरी चिट्ठी। हरदीप सिंह, कमांडेंट भैरव सिंह जी, जसपाल जी, गुरमेल जी, सुबेदार रतन सिंह जी, अरविंदर, उमेश, चाची दी चिट्ठियां गई, ज्ञान सिंह, रविंदर सिंह, सिपाही करतार सिंह, लाइन्स नायक मंगल सिंह। यार हरी सिंह, देख मेरा भाई नानू पास हो गया यार। वाह क्या बात है। मस्त राम जी। हाँ जी। ये क्या है? चिट्ठी है जी। आप बताइए। चिट्ठी है। दुर्घटना, मेरे चेहरे पे कभी इतनी खुशी देखी? नहीं जी। ओए जवाना, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। और राम सिंह टाइम क्यों है? और टाइम क्यों है? होने दो। ओ गड्डी तो टाइम हो गया। चंगा जी, राम राम। राम राम। और रंजीतिया, और रंजीत पाजी, और मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, घर जा रहा है, मैं बापू को कुछ कहना? कह देना जी, सब ठीक है। चंगा जी, चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ओए मंजीतिया, मंजीतिया, हाथ मिला, हाथ मिला, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, घर जा रहा मैं। चंगा कैसे दी तो बन गई छुट्टी। हाय हाय, मुंह लटका के बैठने वाले, बैठो। मैं तो चलिया घर। ओ सुखदेवा, ओ सुखदेवा, कहाँ जा रहे हैं? मैं घर वालों को कुछ कहना? कह दियो साहब, चिट्ठी लिख दे रहे। चंगा चंगा, राम राम जी, मैं जा रहे हैं। रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे। जा अपनी बीवी को संभाल। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अब
अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा माँ आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में हो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी माँ की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, ऐसा जंग कितना जीता गया बाप? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। मेजर साहब भी नारियल है, नारियल अंदर से नरम तो बाहर से सख्त। बागी राम जी, हाँ, बोल। आप क्यों गए थे डाक लेने? अरे कौन है जो आपको चिट्ठी लिखेगा? आप तो कहा करते थे ना कोई आपके आगे है ना कोई पीछे। ओ नालायक, ओए ऐ भी तो मेरी फैमिली है। सो तो है जी, खून का नहीं तो मोहब्बत का रिश्ता तो है ना। हाँ जी, जब इनकी चिट्ठी आती है ना तो किसी की आंख में आंसू आ जाते हैं तो कोई हंस पड़ता है, तो मैं भी इनके साथ हंस लेता हूँ, रो लेता हूँ। बाकी सब ठीक है, कमाल है यार। ओए क्या बात है, बहुत हंस रहे हो, कहीं हमारी भाभी की चिट्ठी तो नहीं है? उसी की है, पर खूब है, सुनेगा? मतलब कहीं वो वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं यार, वो वाली बात यहाँ कहाँ, लिखती है करनाल वाले मामा जी गुजर गए, बाकी सब ठीक है। गाय ने बछड़ा दिया था, पैदा होते ही बेचारा मर गया, बाकी सब ठीक है। चार दिन हो गए मुन्नी का बुखार नहीं उतर रहा, बबलू टांगे से गिर पड़ा, उसकी हाथ की हड्डी टूट गई, बाकी सब ठीक है। साडा मुंडा खैरियत ना, चार साल का हो गया। अच्छा, पता खिलौना केड़ा लियांडू के है? केड़ा? कहंदा है बापू आन दे टाइम दुश्मन का एक टैंक ले आई अपने नाल, दो ही नाल मिल के खेलांगे। की लिखा था छोरे ने, लिखावट तो बड़े अच्छी है। बात भी अच्छी लिखता है, लिखता है कि हमारे मास्टर जी कहते हैं कि सीमा के उस पार हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, कपड़े भी हमारे जैसे ही पहनते हैं, भाषा भी हमारे जैसे ही बोलते हैं। बाबा ये बात अगर सच है तो लोग हमसे लड़ते क्यों हैं? बाबा अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। प्रिय धर्मवीर, जब से गए हो तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, नाराज हो गया? सारी दुनिया रूठ जाए तुम नहीं रूठना, नहीं तो मैं जिंदगी से रूठ जाऊंगी। तुम्हारे घर गई थी, माँ जी ठीक है, उदास जरूर है, तुम्हारे आने की घड़ियां गिनती रहती है और तुम्हारा सेहरा बुनती रहती है। मैंने उनसे कह दिया है कि आपका लाडला सेहरा बांध कर आएगा तो मेरे ही घर आएगा। तुम्हारी कमला। पर खुरदार रतन सिंह, घर की छत टूट गई है, बनाने की कोशिश करते हैं तो तूफान आ जाता है, बर्फ गिरती है तो छुपने की जगह नहीं मिलती, जल्दी छुट्टी लेके आ जाओ तो घर को नई छत मिल जाए और हमें हमारा बेटा। तुम्हारी अम्मा कह रही है कि मरने से पहले तुम्हारी खुशियाँ जी भर के देखना चाहती हूँ। तुम देश की रक्षा में अपना धर्म तो निभा रहे हो पर माँ बाप का सहारा भी तो तुम ही हो बेटे, लिखो कब आओगे? अस्ती। हाँ जी। आदे। अले भाई क्या खबर है पैरो सिंह? ओए, शेर की आंख में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू?
वो ऐसी क्या खबर है, मैनू भी पता। घरवाली की चिट्ठी आई है भागी राम जी, मैं पाप बनने वाला हूँ। मुबारक ओ मस्ती। हाँ जी। आज कंपनी के लिए स्पेशल खाना बनाना है और लट्टू साथ में जरूर बनाई। और हाँ, दारू सबको मैं पिलाऊंगा। देखा साहब जी, आपका बेटा होगा बेटा। और आज तो मैं भी चख लूंगा। घर कब आओगे, ये घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के कजरे ने किसी के गजरे ने महकती सुबहों ने चलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। चकते झूलों ने बहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है।
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आंखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन आंगन सूना सूना है उसे उसके बेटे का नाम दे वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी के छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा मैं एक दिन से मैसेज है ब्रावो टू अल्फा ओवर एंड आउट दोस्तों
दुश्मन ने हमला कर दिया है। द वॉर इज ऑन। भैरव सिंह सर, आप गांव खाली करवाओ, हमला हो गया है। हम पोस्ट संभालेंगे या सिविलियंस को? सर ये काम आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनकी भाषा आप समझते हैं। कोई शक सर? धर्मवीर सर, तुम बॉर्डर पिलर पर जाओ, वहां दुश्मन की क्या हरकत हो रही है उसकी रिपोर्ट दो। सर। रतन सिंह, जवानों को अलर्ट पे रखो और पोस्ट को लड़ाई के लिए तैयार करो। फिकर नहीं सर। चलो पिल्ला तक मार्च करेंगे। चलो चलो कमांडेंट साहब से बुलाया। चलो चल तो रहे, धक्का क्यों मार रहे? मारी का ही गलती हो गई भाई बाप। उठ रहे क्या? खुलो बांधने तो दो, बांधने तो काम पे जाड़ो है। क्या हुकुम है भाई बाप, क्या हुकुम है? सब गांव वाला आ गया। जी साहब। तुम तो जानते हो ये बॉर्डर है, लड़ाई छिड़ चुकी है, हमला किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपना बाल बच्चा और घर की चीजा लेकर यहाँ से चले जाओ, गाँव खाली कर दो। पर साहब झगड़ो तो फौज को है, मारी जान ने खतरा क्यों? इसलिए कि दुश्मन की तोप का गोला नाम और पता पूछकर नहीं गिरता। कोई शक? बैरिक्स उड़ गए, लेकिन मां के मंदिर को छू नहीं सके। रतन सिंह साहब जी, जीत हमारी जरूर होगी क्योंकि मां हमारे साथ है। Thank you.
साहब जी, ये टैंक हमारे तो नहीं हो सकते, ये तो पिलर के उस तरफ से आ रहे हैं। डेल्टा टू अल्फा, डेल्टा टू अल्फा, कम इन सर। पाकिस्तानीस। डेल्टा टू अल्फा, डेल्टा टू अल्फा, कम इन सर। डेल्टा टू अल्फा, डेल्टा टू अल्फा। Alpha to Delta, this is Major Kuldeep Singh, over. Sir, Pakistan ki puri tank regiment Longewala ki taraf aa rahi hai. Samajh gaya. Isliye artillery firing ho rahi hai. Tanks ki awaaz ko dabane ke liye. Sir, should I fire at them, sir? No, Alpha to Delta, no. Tum Sai ki tarah unka peecha karo. And keep reporting to me. To Alpha, we'll go over, sir. Over and out. तो अंदर ऐसा कौन सा खजाना है जो आप अपनी जान देने के लिए तैयार है? चलिए यहाँ से। चलिए मैं ना जाऊँ साहब, मारे बाप ने मरने से पहले मारे कुरान मस्जिद दी थी साहब, वो अंदर रह गई अंगीठी के ऊपर, रायल पर रखी थी साहब। हमारी कुरान निकाल कर ले आए साहेब, पर तने तो हिंदू होना साहेब। हिंदू हूँ, इसलिए तो कर्म किया है। अपने आप को भुलाकर भी दूसरों का संभालना, यही तो हिंदू धर्म है। सदियों से यही तो करता आया है हिंदू। चलिए मियाँ, अब चलिए। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए बाजी जल्दी। और कुछ लोग तने काफिर कह रहे हैं। चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। ओ गुरमेल, घबरा मत, उठाओ से। ये एंटी टैंक माइन है, आदमी के वजन से नहीं पड़ता, इसे कम से कम हजारों पाउंड का वजन चाहिए जो सिर्फ टैंक में होता है। चलो बिछाओ इन्हें। अल्फा टू ब्रावो, अल्फा टू ब्रावो। आपके लिए इमरजेंसी कॉल है एयर कमांड से, दे आस्क यू टू कॉल बैक इमीडिएटली। Headquarters immediately, fast. Andy. Sir. Pakistan Air Force ने हमारे हवाई अड्डों पर हमला किया है, हमें जवाब देना होगा। Prepare to strike them back. हमारी Prime Minister किसी वक्त भी emergency declare कर सकती है, which means war with Pakistan. Understood, sir. My boys are ready to go, sir. I'll prepare them for the strike tomorrow morning, right now, sir. God be with you, Andy. Sir. All the best. Sir. Thank you, sir. Gentlemen,
briefing. According to the PGI, Agra and Ambala were also bombed. The government of India has responded. Boys, जैसे कि रेडियो पर सुना वॉर छिड़ चुकी है. दुश्मन ने हमारे एयरबेसेस पर हमला शुरू कर दिया है. हमें उनका जवाब देना है. इसलिए कल सुबह की पहली किरण के साथ हम रहीम यार खान बेस पर हमला करेंगे. We'll head out at 500 feet AGL and before crossing the border, we'll come down to 200 feet AGL. The runway lies east-west, so we head north. We have an error, boys. Nobody moves. I'll take the aircraft to the blast bin myself. But, sir? I don't want to lose any of you fine pilots to this stupid raid. Okay? This is an order. Delta come in. This is Alpha. Delta come in. Over. Sir, they are heading towards Longewala. We are going to attack our boss. We will attack our boss. Sir, over. I believe that they will attack our boss. Over and out. Stop! Archie is coming! खोटा सिक्का हमेशा वापस आ जाता है सर. सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, उसे भूला नहीं कहते. लगता तुम घर तक नहीं पहुंचे. मैं आधे रास्ते से लौट आया हूं सर. मैं अपनी बीवी को किसी भी हाल में छोड़ सकता हूं, अपनी कंपनी अपने देश को नहीं. जंग जीतने के बाद तो मुझे छुट्टी मिल ही जाएगी ना सर. जरूर. गुड ऑल मथुरा, गेट ऑन द गन. स्टेशन जैसलमेर, सीओ साहब से बात करवाओ. ओवर. स्टेशन कमांडर है, कौन बोल रहे हैं? ओवर. मेजर कुलदीप सिंह है सर. ओवर. हाँ मेजर, क्या मैसेज है? ओवर. विंग कमांडर सर, पाकिस्तानियों ने मेरी पोस्ट लोंगेवाला को चारों तरफ से घेर लिया है और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं. उनके पास 40 टैंक्स और हजारों की इन्फेंट्री है और मेरे पास सिर्फ 120 जवान. आई नीड एयर सपोर्ट इमीडिएटली सर. ओवर. शिट, आई विश आई कुड हेल्प यू मेजर. But unfortunately, आज रात को एयर सपोर्ट नहीं मिल सकता. Over. क्यों सर? Over. यहाँ पर सिर्फ हंटर जहाज है जो रात को नहीं लड़ सकते. कल सुबह की पहली किरण के साथ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. Over. That's bad news, sir. हम सुबह तक कैसे होल्ड करेंगे सर? Over. I cannot help you, Major. It's not possible. You will have to hold the post. I'll be there with the first light of the morning. All the best. Good luck. Over and out, Major. सुबह के लिए तो अभी कई घंटे बाकी हैं. क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं गुरनाम सिंह,
इम्तिहान की घड़ी आ गई है। I hate you, gunfight in the night. Gunfight in the night, bloody hell, रात को नहीं लड़ सकता। Voice briefing. Unfortunately, enemy tanks have surrounded Longewala post. Longewala ko ghir liye. Our boys at Longewala POP are under their grip. Our job is to release their grip with the first light of the morning. All you boys and myself will take off at the first light of the morning and head to Longewala, all along Ramgarh Road. None of our tanks are there, so keep your eyes peeled. Aur koi bhi tank dikhe to maro, hit them and hit them hard. Any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. Fine. Let's get battle ready for the morning. And keep our fingers crossed. Aur prarthna kare un 120 bahaduron ke liye jo khade hain maut ke samne. कंपनी को फॉल इन करवाओ। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला ये किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर, कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा सर, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। छुट्टी लेकर मैं घर तक नहीं पहुंचा सर, आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया, सिर्फ यह सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया, मुझे गोली मार दीजिए सर, मगर मैं यह हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं मथुरा दास, मगर कमांड ने भी कुछ सोच समझ कर हुक्म दिया होगा। हम 120, दुश्मन 2000 कहां के हुए साहब जी? सच्चे बादशाह दसवीं बादशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। साहब जी, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान हैं। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। जी सर। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है। बोले संभालो।
अल्फा टू डेल्टा कमिंग ओवर। डेल्टा टू अल्फा सर। मेरी बात ध्यान से सुनो, ओवर। सर हमारी पोजीशन कमान से छुपी नहीं है, उन्होंने फैसला मुझ पर छोड़ा है कि हम पीछे हटें या मुकाबला करें। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, ओवर। शायद आप भूल गए हैं सर कि मैं मेजर वीर भान का बेटा हूँ, पीछे हटने की बात सोच भी नहीं सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ओवर एंड आउट। दो सालों को जरा नजदीक, हम लोगों ने माइंस किस लिए बचाए हैं? हिंदुस्तानियों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखे हैं। कोई कटीले दरों के आगे नहीं जाएगा। बोले सोनिहाल, श्री अकाल, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। लगता है हमारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। यहाँ 120 आदमियों की कंपनी नहीं, 600 आदमियों की पूरी बटालियन है। कुलदीप सिंह, तेरे मौत के फरिश्ते थे दरवाजे से खड़े ने, या ते अपने बंदे समेत सिर ते हाथ रखकर बाहर आ जा, या तो फिर अपनी अंतिम अरदास लाई पटन दे ज्ञान ने बुढ़ा कर रख ले, क्योंकि तू नहीं बच सकता। ओए तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर का मशहूर गुंडा, गंदे नाले दी पैदाइश, ऐसा वक्त ही दसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होंदी है या तेरा इन्ना लीला पढ़िया जाता। हूं तू इन्ना चेते रख के तू एक कदम भी बाहर निकलिया तो मैं तेन ओही कंधे नाले दे विच बाहर सिटांगा जिथों तू आया सी। ओए चुप क्यों हो गया? जवाब दो इसे।
के रानी हो रही है। ओए तेरे हाथ में बंदूक? अरे सिपाही के हाथ में बंदूक नहीं होगी तो और क्या होगा? मगर मैंने तो इस सिपाही के हाथ में हमेशा कड़ची देखी है। अरे उस कड़ची का ही कमाल है कि तू खा खा के इतना तगड़ा हो गया। अब इस बंदूक का कमाल देख, दो चार दुश्मन तो इसके नाम होंगे। और तेरी तो मैं लाले दी जान, जे तनु कुछ हो गया तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? ओए पांडराम, याद है ना फौज से निकलने के बाद हमने ढाबा खोलना है, 50-50 की पार्टनरशिप। एक शर्त। क्या? तू उस ढाबे में खाना नहीं खाएगा। ओए ये कैसे हो सकता है? फिर बराबर की साझेदारी नहीं, 10 पैसे तेरे और 90 मेरे। क्यों क्यों क्यों? अरे उतने का खाना तो तू खुद ही खा जाया करेगा। सिंह, तुम्हें स्प्रिंग चाहिए था ना? ये लो स्प्रिंग, चलाओ गोली, चलाओ गोली। भैरव सिंह, ये धरती अगर तुम्हारी मां है तो मेरी भी मां है। हो सके तो मेरे बच्चे की मां को संदेश पहुंचा देना, कहना कहना मैं उसका गुनहगार हूं। इस जन्म में धरती मां का कर चुका के जा रहा, अगले जन्म उसका कर चुका दूंगा, अगले जन्म में उसका कर चुका दूंगा। MMG संभालो। Come on, get up and move. MMG संभालो, Bharat Singh. Move. Issar. Hey. हम लोग पोस्ट पे आ रहे हैं, वी आर कमिंग इन, आई नीड कवरिंग फायर।
नाम आई नीड कवरिंग फायर आई रिपीट आई नीड कवरिंग फायर मुझे कवर फायर चाहिए गुरनाम ओवर कोई भी बंदा बंद कर सभी तरंगी का पोस्ट पर आ रहे हैं कवरिंग फायर मार Move. Come on, move, Dharmvir! Come on, let's go to the next bunker. Dharmvir! Dharmvir, remember that Sasti. Remember Veer Bhan. अपने बाप को याद कर आदमियों का खाना नहीं बनाना पड़ेगा नहीं नहीं याद है ना ओ रतन सिंह ओ रतन सिंह अब ढोए अग्रीमेंट तोड़ के नहीं जाना होए मेरे ढाबे से पार्टनर पागीराम तू ढाबा जरूर खोली यार और मैनू तेरे डब्बे और दस वाली
इससे दारी मंजूर है, मगर 10 पैसे मेरे माँ बाप को देते रहना, उनका इस दुनिया में। अरे तलसियाम, तलसियाम, नाता जाएं। साहब जी, चिड़िया नालचे पास लड़ावा। ता गोविंद सिंह नाम धरावा। यार कुछ छट गया, यार कुछ छट गया। ये रात सारी गुजरते क्यों नहीं आए? Why is this the longest night?
में तो टैंक माइन है। टैंक पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। दुश्मन सामने है, उन पे फतेह करनी है, पोस्ट पे कब्जा कराओ, पोस्ट पे कब्जा कराओ, चार्ज। Thank you.
के भाग रहे हो? कोई फायर नहीं करेगा जब तक हमारे साथी लौट के नहीं आते। साहब धर्मवीर साहब को गोली लग गई। धर्मवीर में अभी भी जान है, मुझे कवरिंग फायर दो। था ना सर, अपने पिताजी को याद करो, मेजर वीर भाट को याद करो। वो आ गए हैं सर, मेरे पिताजी लेने आ गए। होल्ड ऑन धर्मवीर, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, तुम्हें जीना होगा धर्मवीर। होल्ड ऑन। रोको मुझे मां, मुझे जाने दो, पिताजी बुला रहे हैं। जीते बच्चे अंदर सर, जल्दी आइए सर। अभी जिंदा है सर। मुझे मारना नहीं साहेब, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता है। मुझे मारना नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों का नाम? खालिद और आसमा। प्यारा नाम है। अपनी फौज का प्लान बताओ। मैं तो छोटा सा सिपाही हूं साहेब, प्लान तो ऊपर वाले लोगों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। खुदा की कसम साहेब, कुरान पाक की कसम, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं साहेब, मुझे मारना नहीं साहेब, मैं मरना नहीं चाहता। हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जिस तरह हम अपने देश के सिपाही हैं, उसी तरह तुम भी अपने वतन के सिपाही हो। तुम्हारे साथ एक सिपाही जैसा सलूक करेंगे। पानी दो इसे।
पूरा एक घंटा बचा है सर सनराइज होने। लेट्स गो। पाकिस्तानी भागो, फतेह पाओगे तो गाजी कहलाओगे, मौत को गले लगाओगे तो शहीद कहलाओगे। एंटी टैंक माइंस की परवाह मत करो, टैंक से के पोस्ट पे चढ़ जाओ, आगे बढ़ो। करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1,25,000 के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है।
साहब जी, असी जंग जीत गया, दुश्मन भाग रहा है, असी जंग जीत गया। साहब जी, साहब जी, साहब जंग तो चंद राज होती है, जंग तो चंद राज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। आखाए कसम अब जंग नहीं होने पा
जब खिल उठे तेरा भी चमन, जब खिल उठे मेरा भी चमन, तेरा भी वतन, मेरा भी वतन, मेरा भी वतन, तेरा भी वतन, तेरा भी वतन, मेरे भाई, मेरे हमसाए।